गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं क्लास 7 का जो लेसन 12 द चाइनाज आवर नेबरहुड है ना। तो इस लेसन में क्या है, क्या बोला जा रहा है, जो चाइनीज है वो हमारी नेबरहुड है। सही बात है ना, चीन भारत के बगल में है तो ये हमारा नेबर हुआ, पड़ोसी हुआ। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं यहाँ पर हमको क्या सीखने को मिलता है ना। चेंज इंक्रीज हिज पेस एज़ ही वॉक्ड अलोंग द रिवर लो। ही वॉज फार अवे फ्रॉम हिज नेटिव विलेज। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि जो चांग अपनी गति बढ़ा ली जब वह लो नदी के किनारे चल रहा था। तो लो नदी क्या है, चीन में है ना। तो वह क्या है, अपने पैदासी गांव से दूर था। From here he could not see the Great Wall, which was 2,400 किलोमीटर लॉन्ग। तो यहाँ से वह बड़ी दीवार को नहीं देख सकता था जो कि 2400 किलोमीटर लंबी थी। It was built by the first Chinese emperor। यह प्रथम चीनी सम्राट चीन सी हुआंग द्वारा बनाई गई थी। चीन सिन हुआंगटी द वॉल वॉज स्ट्रेच्ड अलोंग द फर्टिटाइल रिवर ह्यूंग। दीवार उपजाऊ नदी हुआंग हो के आर पार फैली थी। तो इसको किसने बनाया था, आपके कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है, चीन सी हुआंग ने है ना। चीन सी हुआंग इसके संस्थापक हैं। इस जो दीवार है, कहते हैं अंतरिक्ष से इस दीवार को देखा जा सकता है करके, बहुत बड़ा दीवार है ना, और दुनिया का ये अजूबा में भी शामिल है। ही वॉज वॉकिंग बिसाइड द रिवर टूवर्ड द सिटी ऑफ लोयांग। इट वॉज न्यू ईयर एंड एवरीवन वॉज इन ए हॉलीडे। तो वह नदी के किनारे से लोयांग शहर की ओर बढ़ रहा था। इट वॉज न्यू ईयर एंड एवरीवन वॉज इन ए हॉलीडे मूड। तो यह क्या था, नया वर्ष था और हर कोई अवकाश की मनोदशा में था। द रिच पीपल इन देयर सिल्क ड्रेस एंड शूज, द पीजेंट इन देयर स्ट्रीव सैंडल्स, इवन द बेयर फुटेड बारबरियंस वेयर हैप्पी। तो जो धनी लोग थे अपने रेशम के कपड़ों और जूतों में, किसान घास फूस से बने जूतों में, यहां तक कि नंगे पैर वाले असभ्य भी प्रसन्न थे है ना। चेंज फेल्ट हिज वन ड्रेस एंड अ थॉक अबाउट द सिल्क द ग्रेट इन्वेंशन ऑफ हिज फोर फादर्स। चांग ने अपने वेश को अनुभव किया था तथा पूर्वजों के महान आविष्कार रेशम के बारे में सोचा। रेशम की खेती आप जानते हो है ना, बहुत उससे क्या है, धागा बनता है रेशम की, रेशम से, और जो हम कपड़ा पहनते हैं वही रेशम से ही आता है। आगे देखते हैं। द एम्परर हिमसेल्फ एंड हैड टेकन पार्ट लास्ट ऑफ इट इन प्लगिंग फुरो टू बिगिन इन द वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन। तो अब क्या हुआ, सम्राट ने स्वयं अंतिम सप्ताह में हफ्ते भर चलने वाले उत्सव, दीपों के उत्सव के लिए खेतों में हल चलाकर मिट्टी की गहरी पंक्ति बनाने में हिस्सा लिया था। द फेस्टिवल ऑफ लेंटर्ना बाई द सनसेट द होल टाउन वुड बी ट्विंकलिंग विथ लिटिल लैम्प्स लिट इनसाइड ए ह्यूज पेपर मॉडल ऑफ ए ड्रैगन विच वुड बी कैरीड अलोंग द स्ट्रीट। अब क्या हुआ, सूर्यास्त के बाद पूरा शहर छोटे छोटे दियों से जगमगा रहा था। वहीं एक और पेपर से बना एक विशाल ड्रैगन का नमूना था जो कि गली के उस पार तक ले जाया गया था। Why was everyone happy? Why was Chang happy too? है ना, तो आपको यहाँ पर मतलब चांग क्यों हैप्पी था है ना, और सभी लोग क्यों खुश थे। तो आगे देखते हैं। चैंग वॉज नाउ पासिंग थ्रू द मार्केट प्लेस नीट रॉस ऑफ स्टाइल्स वेयर सेलिंग ऑल टाइप ऑफ गुड द ब्रॉन्ज अनटेंसिल आयरन टूल्स सिल्क ड्रेसेस कलरफुल पेपर ट्वाइस राइटिंग पेपर वुडन ट्वाइस सो मैनी थिंग्स अट्रैक्टेड हिम। अब क्या हुआ,
कि चांग अब बाजार से होकर गुजर रहा था, है ना। मतलब यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, जो चीन है उसके बारे में बताया गया है, चीन शहर के बारे में इस लेसन का वर्णन किया गया है, है ना। तो चीन में दिवाली को भी माना जाता है, जिस तरह भारत में हम दिवाली को मानते हैं ना, उसी प्रकार चीन में भी मानते हैं, है ना। तो चांग अब बाजार से होकर गुजर रहा था, दुकानों की स्वच्छ कतार सभी प्रकार का सामान बेच रही थी, कांसे के बर्तन, लोहे के औजार, रेशम के कपड़े, रंगीन कागज के खिलौने, लिखने वाले कागज, है ना, लकड़ी के खिलौने, बहुत सी चीजों ने उसे आकर्षित किया। तो स्टूडेंट आगे का जो मैं है ना, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।